इससे पहले राहुल और प्रतिष्ठा का बहुत झगड़े होते थे, मैंने भी एक दो बार छुड़ाया है। राहुल ने प्रतिष्ठा पे हाथ उठाया था मेरे सामने, मैंने राहुल का गिरेबान पकड़ा था एक दो बार, मैंने कहा डोंट डू दिस, मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं करना, एक तुम मेरी फ्रेंड पे हाथ उठा रहे हो, मत करना राहुल ऐसा। प्रतिष्ठा ने मुझे शांत करवाया था कि फगर इट, जाने दे, ये कभी सुधरेगा नहीं, और हम आई लव हिम, आई वॉन्ट टू गिव हिम अ चांस, आई वॉन्ट टू गिव हिम अ चांस। मैंने कहा मत, ये शादी से पहले ही ऐसे हरकतें कर रहा है, शादी के बाद क्या करेगा। वो अपने फैमिली से बहुत प्यार करती थी, सब झूठ है, कहते हैं कि उसके फैमिली को छोड़ दिया था, ये सब झूठ है। उनके प्रतिष्ठा के गले की हड्डी थी, उनकी मॉम डैड उनके लिए सब कुछ करती थी। सोनी के शो में लास्ट शो जब गए थे तो वो जो पैसों के लिए भी राहुल ने झगड़े किए थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे राहुल उसके बहुत टॉर्चर करता था। राहुल तो मैंने बहुत बार वार्न किया था कि डोंट डू दिस। ऐसे बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं टेलीविजन में जिनका मैं नाम नहीं लूंगी, उनके साथ टॉर्चर होता है, उनके बॉयफ्रेंड्स भी उनके साथ टॉर्चर करते हैं। कुछ लड़कियां बाहर नहीं आती है, पुलिस स्टेशन नहीं जाती है डर के मारे, फैमिली के कारण डर के मारे बाहर नहीं जाती, पुलिस स्टेशन नहीं जाती है, क्योंकि कुछ लोग हैं उन्हें वो ड्रामा का करार देते हैं, पब्लिसिटी स्टंट का करार देते हैं। उसमें से हर कोई राखी सावंत नहीं होती है। मेरे साथ भी अत्याचार हुआ था, मैं भी पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन मुझे बदनाम किया गया था। कहां जाएंगी हम लड़कियां, अगर पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगी तो इंसाफ के लिए कहां जाएंगी, आत्महत्या कर लेगी क्या, हम आत्महत्या कर ले, हमें ड्रामा का करार दिया जाता है, मुझे बदनाम किया गया, ऐसे कितनी सारी लड़कियों को बदनाम किया गया। और मीडिया हमें सवाल करती है, सब कहते कि क्यों पुलिस स्टेशन नहीं जाती, पुलिस स्टेशन जाएंगे वहां पे मीडिया आ जाएगी तो कैसे हम ड्रामा करते, मतलब हमें जीने का अधिकार नहीं है। उसमें से देखो प्रतिष्ठा के साथ क्या, वो कहीं नहीं गई, उसके साथ अत्याचार हमेशा होता रहा, हमेशा अत्याचार होता रहा। हमारी दोस्त हमारी नजरों के सामने जो शादी करने वाली थी, जो हमें सरप्राइज देने वाली थी, हमने नहीं सोचा था कि ऐसा सरप्राइज मिलेगा हमें। शी वॉज ऑलवेज स्वीट, शी वॉज दैट मच, इतनी मासूम। जब हमें मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, जब मैंने देखा कोकिला बहन के अंदर छोड़ते नहीं थे, लेकिन मैं पुलिस को रिक्वेस्ट करके अंदर के मेरी आंखों से देखना चाहती थी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रतिष्ठा आत्महत्या कर सकती है। ऐसा क्या एक दो घंटे में हो गया, जो लड़की शादी करने वाली लहंगा बना रही, जेवर बना रही, खुश है अपने दोस्तों में, ऐसा क्या हो गया एक दो घंटे में? ऐसा हो गया कि उसे कोई वीडियो भेजा गया और वो सलोनी ने भेजा, सलोनी ने उसे हाथ हाथापाई की, मारपीट करी। जब मैं अंदर गई तो मैंने कहा था मीडिया को कि उसके यहां पे दाग है, नाक पे दाग है, यहां पे दाग है, और मुझे यकीन नहीं हो रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी वो कह रहे थे, कोई दाग नहीं, कुछ नहीं, क्यों? तो दाग कहां से आए, हमने तो नहीं लगाए, क्यों? राहुल को अभी तक पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है? उसे उसका मोबाइल लेके चेकिंग क्यों नहीं हो रहा है? प्रतिष्ठा के मोबाइल की चेकिंग क्यों नहीं हो रही है? और वो वीडियो जो राहुल वो मोबाइल चोरी मतलब लेकर चोरी करके निकल गया हॉस्पिटल में, एडमिट इमरजेंसी वार्ड में उसे छोड़कर, लाश को छोड़ के वो मोबाइल लेके भाग गया। सारे सबूत मिटा दिए गए, उसने अपने हाथों से मिटाए। पुलिस ने ये क्यों नहीं देखा? उसे एक ऐसा सलोनी ने एक ऐसा वीडियो भेजा जो राहुल और सलोनी का वीडियो था, और ये सलोनी के मोबाइल में आज भी मौजूद है। कहां है सलोनी? मेरी फ्रेंड का, हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस का, हिंदुस्तान की बेटी का मर्डर हुआ है,